मुंबई में भारी बारिश के चलते लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई को शहर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया। 30 जून को मौसम की पहली बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जल जमाव देखा गया। कई जगहों पर लोगों को घुटने पर पानी से गुजरते देखा गया और कई वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे। आइए दिखाते हैं आपको माया नगरी का बारिश से कैसा हुआ हाल। आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो मुंबई में अभी अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश की संभावना है। बता दें, हिंद माता परेल, काला चौकी, हाजी अली रोड, डॉक यार्ड रोड, गांधी मार्केट और बांद्रा जैसे क्षेत्रों में कई सड़कों पर पानी भर जाने के कारण सड़क यातायात या तो धीमा हो गया या बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई में आज सुबह भी झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव की सूचना है। सायना बांद्रा लिंक रोड पर भारी बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होने की सूचना है। बता दें, बारिश के लिए तरस रही मुंबई में 30 जून को इस सीजन की अब तक की सबसे अच्छी बारिश हुई। गर्मी से राहत तो मिली है, साथ ही मौसम भी सुहाना हो गया। बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल रूम के मुताबिक 30 जून की सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शहर और उपनगरों में औसतन 85 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई में आज अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश से बेहद भारी बारिश की संभावना है। वहीं भारी बारिश के बाद मुंबई के सायना बांद्रा लिंक रोड पर जल भराव हो गया। बीते गुरुवार की रात को मुंबई के दादर टीटी के खोदार सर्कल के पास गंभीर जल भराव ने यातायात की आवाजाही को बाधित कर दिया और एक कार सड़क के बीच में फंस गई। बता दें, 30 जून की सुबह से मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने का दावा किया है। इस दावे के साथ 30 जून को इस सीजन की सबसे अच्छी बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहर भर में ट्रेन और बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।